सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। 15 दिसंबर को दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया में स्टूडेंट्स के साथ हुई हिंसा के बाद मामले ने तूल और ज्यादा पकड़ लिया है। मुंबई समेत देश के कई हिस्सों में भारी मात्रा में लोग इकट्ठा होकर इस एक्ट के खिलाफ विरोध दर्ज करवा रहे हैं। सोशल मीडिया पर अलग लेवल की क्रांति चल रही है। हालांकि इस मामले में कोई भी सेलिब्रिटी बोलने से बच रहा है, सबकी अपनी अपनी वजह है। हालांकि लोगों के प्रेशर के बाद अब सेलिब्रिटीज ने भी बोलना शुरू कर दिया है। टीवी पर वैसे तो कई क्राइम शोज आते हैं, दो खास यानी कि पॉपुलर है, क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया। फिलहाल चर्चा में है सावधान इंडिया। क्यों? क्योंकि इसके होस्ट को शो से निकाल बाहर कर दिया गया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुंबई में CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ हो रहे प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने पहुंचे थे। शो के होस्ट का नाम है सुशांत सिंह। सुशांत इस शो की शुरुआत यानी कि साल 2012 से इसके साथ बतौर होस्ट जुड़े हुए थे। बीच में साक्षी तनवर, मोहनीश बहर, पूजा गौड़, गौरव चोपड़ा, हितेन तेजवानी, सिद्धार्थ शुक्ला और दिव्या दत्ता जैसे एक्टर्स भी इस शो से बतौर एंकर जुड़े, लेकिन कुछ एक एपिसोड के लिए ही। जुलाई 2018 में शुरू हुए शो के तीसरे सीजन जो कि स्टार भारत पर अब तक चल रहा है में भी सुशांत 360 एपिसोड तक इस शो के एंकर बने हुए थे। 17 दिसंबर को सुशांत ने ट्वीट कर बताया कि सावधान इंडिया के साथ उनका सफर खत्म हो गया है। मुंबई में हो रहे प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने पहुंचे सुशांत का वीडियो आप देख सकते हैं। हालांकि वो सोशल मीडिया पर इशारों में बता चुके हैं कि ये फैसला उनके प्रोटेस्ट में शामिल होने की वजह से ही लिया गया है। उनके सावधान इंडिया से अलग होने की बात पर सुशांत से एक ट्विटर यूजर ने पूछा कि ये क्या वो सच बोलने की कीमत चुका रहे हैं, तो सुशांत ने जवाब में लिखा कि बहुत छोटी कीमत मेरे दोस्त, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जवाब कैसे देंगे। अपने नए वेब शो रंगबाज फिर से के लॉन्च के मौके पर उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस से बात की, जहां उन्होंने अपने टर्मिनेशन पर खुलकर अपनी बात रखी। सुशांत इस इंटरेक्शन में कहते हैं, मुझे खुद ही कल रात पता चला कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया गया है। मुझे इसकी कोई ठोस वजह नहीं बताई और मैं किसी तरह का अंदाजा भी नहीं लगाना चाहता। हो सकता है ये महज संयोग हो कि ये चीज उसी दिन हुई जिस दिन मैं प्रोटेस्ट में शामिल हुआ। मुझे वाकई इसके पीछे की कोई वजह पता नहीं है, लेकिन चैनल को होस्ट बदलने का पूरा अधिकार है। जब उनसे उनके ट्विटर रिप्लाई के बारे में पूछा गया तो सुशांत ने कहा, जी हाँ, मुझे ये लगता है कि अगर ये मेरे प्रोटेस्ट में शामिल होने की कीमत है तो ये बहुत ही छोटी कीमत है जो मैं चुका सकता हूँ। जो कुछ भी हो रहा है वो देख कर मैं हिल गया हूँ और मुझे अपने डिसीजन यानी कि प्रोटेस्ट में शामिल होने पर कोई पछतावा नहीं है। फिल्मी फील्ड के लोगों की चुप्पी पर सुशांत का कहना है, मैं दूसरों की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, लेकिन मेरे पास आवाज है तो मैं बोलूंगा। और ऐसा भी नहीं है कि किसी ने कुछ नहीं कहा। वहां ऋचा चड्ढा, तापसी पन्नू, मोहम्मद जिशान आयूब और अनुभव सिन्हा जैसे लोग भी हैं जो इन घटनाओं पर खुलकर अपनी राय रख रहे हैं। जिनको गलत लगे वो बोल रहे हैं, जिनको नहीं वो चुप है। ये बोलना या ना बोलना पूरी तरह से उनका फैसला है और हमें उनके ओपिनियन की इज्जत करनी चाहिए। काम छिन जाने का डर या चाहे कोई भी वजह हो, मैं दूसरों की चॉइस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मेरा बड़ा सीधा सा सिद्धांत है, मैं अपनी कला बेचता हूँ, ईमान नहीं। मेरे बच्चे बड़े होकर मुझसे पूछेंगे कि जब स्टूडेंट्स पिट रहे थे, उन्हें टॉर्चर किया जा रहा था, तब मैं क्या कर रहा था। मेरे पास उसका जवाब होना चाहिए। सुशांत ने 2002 में आई फिल्म द लेजेंड ऑफ भगत सिंह में काम किया था। इस फिल्म में अजय देवगन, भगत सिंह बने थे और सुशांत ने सुखदेव का रोल किया था। इसके अलावा उन्हें हमने सत्या, जंगल, लक्ष्य, हिट स्टोरी 2, बेबी और लिपस्टिक अंडर माय बुरखा जैसी फिल्मों में भी देखा है। आखिरी बार वो कन्नड़ फिल्म पहलवान में किचा सुदीप और सुनील शेट्टी के साथ दिखाई दिए थे। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सर्वत और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। अगर ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल दी ललन टॉप को सब्सक्राइब करिए। साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।